दोस्तों आज हमारे साथ दिल्ली पुलिस की फीमेल ऑफिसर हैं, जिनके साथ आज साइबर फ्रॉड होने वाला था, बट इन्होंने सावधानी बरती तो ये अपना पैसा बचा सकी। और हम मैडम से ही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो साइबर फ्रॉड की अटेम्प्ट मैडम के ऊपर हुई थी और किस तरीके से मैडम ने सावधानी बरती और वो साइबर फ्रॉड से बच सकी। मैडम प्लीज आप पब्लिक को बताइएगा किस तरीके से आपके ऊपर साइबर फ्रॉड की अटेम्प्ट हुई। सर आज सुबह मॉर्निंग में मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई और सर उस पर एक इंस्पेक्टर सर की फोटो भी आई मेरे फोन पे व्हाट्सएप कॉल पे और उन्होंने बोला मैं विजय कुमार SHO रिठाला बोल रहा हूँ और आपका लड़के को हमने अरेस्ट किया है, 5 लड़के बंद किए हमने जिसमें आपके बेटे का भी नाम है, रेप में बंद किए हमने 5 लड़के और आपके बेटे का भी नाम है उसमें। मैंने कहा भैया मेरा बेटा का क्या मतलब, मेरा बेटा नहीं हो सकता। तो बोला नहीं आपके बेटे कितने हैं, मेरे 2 बेटे हैं। कह रहे नहीं आपका बेटा ही है। मैं कहा नहीं भैया मेरा बेटा नहीं हो सकता, किसी भी तरह नहीं हो सकता मेरा बेटा। कह रहे नहीं आपका बेटा ही है और आपको छुड़ाना है तो छुड़ाइए जल्दी, आप बताइए, रेप में बंद कर लिया हमने इसको और मतलब पता नहीं क्या क्या उसने बोला। फिर मैंने कहा भैया नहीं मेरा बेटा हो सकता, कौन है आप बात कराओ। तो क्या बेटे का क्या नाम है, बड़े बेटे का। मैं कहा निशांत कुमार है। कह रहा हाँ निशांत ही है, ये बात करो इससे। रोने लगा वो बच्चा। मैं बोली मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, मेरा बच्चा नहीं है ये, आप किसी और आप गलत इन्फॉर्मेशन कर रहे हो, मैं मुझे मतलब इस तरह आप नहीं बोल सकते मेरे साथ में। तो बोले नहीं ये तुम्हारा ही बच्चा है और नहीं छुड़ाना चाहते तो आपकी इच्छा है। फिर मेरे को फादर्स नेम बताओ, जो बच्चा आपके पास है अरेस्ट मेरा ही बच्चा है तो नाम बताओ इसके फादर का क्या नाम है। कह रहे इसको बहुत काफी खून निकला हुआ है, ये बता नहीं पा रहा ये है वो है, तो इसने ऐसे अनसुना कर दिया, उसने नहीं बताया। सर बहुत ज्यादा बदतमीजी की कि आपके बेटे को रेप में हमने बंद कर लिया है और हम इसको अगर आपको छुड़वाना है तो जल्दी बताओ नहीं तो हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं। एक बार मैं घबरा गई कि हो सकता है मेरे, मुझे ये तो पूरा कन्फर्म था कि मेरे बच्चे तो किसी भी हालत में नहीं हो सकते, क्योंकि एक बेटा तो मेरे सुबह ऑफिस में आया था और एक बेटा मेरे घर पे है। लेकिन मुझे ये हुआ जब उसने इस तरह मुझे बहुत बुरी तरह कई बार कहा मैं SHO रिठाला बोल रहा हूँ, मैं SHO रिठाला बोल रहा हूँ, तो मैंने कहा सर मैं भी दिल्ली पुलिस में हूँ तो मुझे ये डर लगा कहीं हो सकता है कोई बच्चे का दोस्त हो और उस दोस्त ने मेरे बच्चों का नाम ले दिया हो कि भाई मेरे दोस्त की मम्मी दिल्ली पुलिस में है वो हमें बचा लेगी। तो इस वजह से थोड़ा मुझे सहम गई, मैं डर गई थी थोड़ा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो सर ये मुझे डर लगा सर, मैं डर गई थी बहुत ज्यादा क्या हो गया ये। फिर उसने मैंने कहा मैं मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हारे खिलाफ ना कोर्ट में जाऊंगी, तुम्हारा नंबर दूंगी कोर्ट में। तो फिर उसने एकदम से फोन काट दिया। फ्रेंड्स देखिए मैडम अभी आपको फोन दिखाएंगी और फोन में दिखाएंगी कि किस नंबर से कॉल आया है। ये मैडम का व्हाट्सएप है और इस व्हाट्सएप में ये कॉल लॉग्स हैं। आज की अगर आप कॉल लॉग्स देखेंगे मैडम की, टुडे यहाँ पे लिखा हुआ है 11:17 पर ये एक पुलिस ऑफिसर की DP इसमें लगी हुई है जो +92301714509 से कॉल आया है। ये देख सकते हैं ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है फ्रेंड्स, 3 बार कॉल आया है। तो आप ये देखिए कि इस तरीके के नंबर से कॉल आता है तो पहले तो ये +92 जो लिखा हुआ है ये इंडिया का नंबर नहीं है, ये पाकिस्तान का नंबर है। पाकिस्तान के नंबर से कॉल आया, DP पुलिस ऑफिसर की लगाई हुई है। मैं DP इसको ऑन करके दिखाता हूँ, ये DP आप देखेंगे तो एक पुलिस ऑफिसर की DP लगाई हुई है। ये पूरी कोशिश करते हैं कि DP लगाई जाए, अपने आप को पुलिस ऑफिसर बताया जाए, पहले जिसको कॉल कर रहे हैं उसे डराया जाए और जब वो डर जाएगा तब उससे फिर पैसे की ये डिमांड करते हैं। कोई भी पुलिस ऑफिसर इस तरीके से कॉल नहीं करता है, इस तरीके से नहीं डराता है और छोड़ने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहता है। तो दोस्तों मैडम तो पुलिस ऑफिसर थी तो ये तो अपने आप को बचा सकी, लेकिन अगर यही अटेम्प्ट एक पब्लिक के साथ हुआ होता तो पब्लिक वाला डर जाता। तो आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये साइबर फ्रॉड था, ऐसा कोई सचमुच में पुलिस ऑफिसर नहीं बोल रहा था जैसा कि बताया जा रहा है, तो कैसे आप पहचानेंगे, इसका तरीका क्या है? तो दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला बनाया है कि अगर इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको कभी भी मिले तो आप 100% समझ लेना कि फ्रॉड आपके ऊपर होने वाला है। तो वो फॉर्मूला क्या है कि एक तो अननोन नंबर से कॉल आएगा और प्लस उस कॉल में पैसे की बात करेगा सामने वाला। जब भी आपके पास अननोन नंबर से कॉल आए और वो सामने वाला पैसे की बात करे कि आप पैसे दे दो, पैसे वहां ट्रांसफर कर दो, आप सोच लेना ये 100% साइबर फ्रॉड का अटेम्प्ट आपके ऊपर हो रहा है। और जैसे ही ऐसा होने लगे कि अननोन नंबर से कॉल आया और पैसे की वो बात कर रहा है तो आपने उस फोन को काट देना है, चाहे वो कितना ही क्यों ना डराए। डरावनी सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि एक जनरल पब्लिक डर ही जाता है।
तो उस डर से लड़ने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे ही वो अननोन नंबर आपको फोन कर रहा है, पैसे मांग रहा है, तो आप फोन को काटिए, और जो पर्सन बता रहा है कि वो आपके पास है, आप अपने उस जानकार को, अपने रिश्तेदार को, अपने बेटे को आप कॉल बैक करो और उनसे बात करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपका पर्सन सुरक्षित है और कहीं भी नहीं है, आपको पैसे उन्हें देने की जरूरत। इसी तरीके से और भी सैकड़ों तरीके अपनाए जा सकते हैं जिनमें डर दिखाया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको डरना नहीं है। फोन काटने के बाद जिसका भी नाम वो लोग ले रहे हैं उनको आप फोन करो, कि फोन में जो नंबर सेव है उस पर कॉल करो, और कॉल करने के बाद आपको सच्चाई सामने आ जाएगी और फिर आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को अपने सभी जानकार, सभी रिश्तेदार, सभी दोस्तों के पास भेजो, इसको शेयर करो, जिससे कि उनके साथ कभी भी ऐसी साइबर फ्रॉड की अटेम्प्ट हो तो वो अपने आप को बचा सके। उनको आप सतर्क बनाइए, जागरूक बनाइए। मैं ऐसे ही तरीके आपको साइबर फ्रॉड के बताता रहूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तो मेरी बाकी वीडियोज आपको जल्दी से मिल सके।